नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीष ठाकुर अभी मौजूद हैं जोगिंद्रनगर उपमंडल की कस ग्राम पंचायत के खरौन गांव में, लोअर खरौन में। और आज हम आपको इस जगह से ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आज हम आपको एक महिला से मिलाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम बताएं, अपना नाम क्या है? सिल्लू देव जी। जिस तरह से हम आपके स्थिति देख रहे हैं, घर की स्थिति देख रहे हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आप बीपीएल परिवार में हैं या नहीं है? नहीं है जी। नहीं है? नहीं है। क्या स्थिति है घर में, जानना चाहेंगे? कमाने वाला कौन है इस घर में? कोई नहीं है जी, मुन्नू भी बेरोजगार आली। एक बेटा है? बेटा, एक बेटा। कितने बच्चे हैं आपके? छह बच्चे, पाँच मुन्नी, पाँच बेटियाँ हैं। दीत्री कने मुन्नू आली अली यहाँ बेरोजगार आर्मी किते था तीने फिर तेरे टेस्ट नहीं ले तीने। तू सरे जेड हस्बैंड से क्या करते? तो कुछ नहीं करते, बीमार है, बहुत बीमार है। देखिए हम आपको ये खबर इसलिए भी अहम हो रही है दिखाने की कि इनके जो परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। बेटा है जो आर्मी की तैयारी कर रहा था, बहरहाल अभी कोई नौकरी नहीं करता है। और पांच इनकी बेटियां थी जिनकी ये मैरिज करवा चुके हैं, लेकिन इनके जो पति हैं, जिनके हस्बैंड है, जो घर के मुखिया हैं, वो खुद एक बीमारी से ग्रसित है, बीमार चल रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा देखें और उनके घर की दशा दिखाएं। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा दिखाएं यहाँ पे। और जिस तरह से बहुत ख़राब हालत आप इसे कह सकते हैं, बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि कोई पक्का मकान है, लेकिन अंदर से इसकी हालत जो है वो काफ़ी बदतर से बदतर हालात है। देखिए छत जो है टपक रही है, कभी भी जो है, आप यहाँ से दिखाएं थोड़ा नज़दीक से, ये छत जो है कभी भी गिर सकती है। ये देखिए, ये हालात है इनके मकान के। ये देखिए इतने बुरे हालात में ये परिवार रहता है। क्या इस परिवार का हमारा हिमाचल सरकार से एक क्वेश्चन रहेगा, और जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे भी एक क्वेश्चन रहेगा, और जो आम जनता है, आप सभी लोगों से जो इस खबर को अभी देख पा रहे हैं, कि क्या इस परिवार को बीपीएल में इनका चयन होना चाहिए? क्या इनके लिए भी खुद का एक मकान होना चाहिए? एक बार जिस तरह से कोई किसी व्यक्ति का बीपीएल में चयन होता है, तो कोई इस तरह की टीम बनाई जाए सरकार की ओर से, या पंचायत की ओर से, या गांव की ओर से, जो कोई कमेटी का गठन किया जाए जो कि वाकई चेक करे कि ये परिवार जो है बीपीएल के लायक है या नहीं है। यदि पात्र लोग जो हैं वो बाहर रहेंगे, अपात्र लोग जो हैं वो बीपीएल के अंदर उसका फ़ायदा लेंगे, तो हमारा जो देश है, हमारा जो क्षेत्र है, हमारे जो गांव है, वो कैसे उन्नति हो सकती है, कैसे इन गरीब लोगों का भला हो सकता है? ये आप सोचिए, और इस बारे में आप खुद एक सवाल करें खुद से कि क्या ये परिवार जो है बीपीएल में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमने खबर इसलिए भी दिखाई क्योंकि इनकी घर की स्थिति जो है बड़ी ही जर्जर हालत में इनका घर है, और कमाने वाला कोई नहीं। इनके पति जो हैं, फिर बताना चाहिए अगर वो किसी बीमारी से जो है वो ग्रसित चल रहे हैं, और घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो कैसे खर्चा चलता है घर का? घर खर्चा कुछ खर्चा कर दे। क्या तू सर मांग रहेगी हिमाचल सरकार आते तो? बीपीएल पाते घर स्थिति मठा भी कुछ की नौकरी लग जाता बड़ा अच्छा। क्या आज तक तुसे कभी पंचायत वाला नहीं बोले कि ऐसा जो बीपीएल ना पाओ? बोलने जो बोलते रहे फिर कोई नहीं पाए, गलाने सारे गलांदे रहे पाए देने फिर नहीं पाए। चलिए देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं, आपकी बात हम रखते हैं क्योंकि हम आपको हालात दिखा रहे हैं। हम आपको कोई ऐसी खबर नहीं दिखा रहे हैं कि हम पंचायत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम घर के हालात दिखा रहे हैं। क्या इस तरह के लोगों का पंचायत में और प्रदेश में बीपीएल में चयन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरी बात यह है कि यदि ऐसे पात्र लोग जो हैं इसके बाहर रहेंगे तो बीपीएल है किसके लिए? और तीसरी बात हम ये करेंगे कि हिमाचल में जितने भी बीपीएल में परिवार हैं उनका एक बार जो है सरकार दोबारा से सर्वे किया जाए, और क्या पात्र लोग इस सिस्टम में हैं या नहीं है। बीपीएल में चयन होने के लिए कुछ कंडीशंस जरूर होती हैं। आपके पास फोर व्हीलर नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी जॉब नहीं करना होना चाहिए, आपका मकान जो है पक्का नहीं होना चाहिए, काफ़ी सारी कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके काफ़ी लोग जो हैं वह जो अपात्र लोग हैं वो भी उनका चयन होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई लोग अपात्र हैं ये पात्र है, हमारा क्वेश्चन ये भी नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है कि सरकार जो है एक बार सर्वे जरूर करे जो बीपीएल परिवार में है, पहली बात तो, और दूसरा जो नहीं है वो अर्जी देते हैं तो उनकी भी सुनवाई की जाए, और ये होना चाहिए। सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, और गरीब लोगों का भला तभी हो सकता है। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।